तो आज हम लोग तेलंगाना इकोनॉमी के डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं वो पढ़ेंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का मतलब ये है कि तेलंगाना की इकोनॉमी बेहतर है या बेहतर नहीं है, नेशनल एवरेज के मुकाबले में तेलंगाना की इकोनॉमी बेहतर है या नहीं है। तो इसके लिए इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब इंडिकेटर मालूम है ना किसको बोलते हैं इंडिकेटर, जरा बोलिए कोई आवाज। हम लोग पढ़ रहे थे प्राइमरी सेक्टर के बारे में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर के बारे में अगर बोले दो तीन चीज, दो चार अल्फाज में अगर बोलूं तो प्राइमरी सेक्टर तेलंगाना में अराउंड 50% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता। और इसके अलावा अगर हम लोग जीडीपी ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर का जो रोल है बिलो 30% है। और प्राइमरी सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या चीजें आती, एग्रीकल्चर आता, और इसके अलावा क्या आता कि पोल्ट्री भी एक तरह से प्राइमरी सेक्टर में आता, इसी तरह डेयरी के जितने भी शोबे रहते हैं डेयरी में कई चीजें आती, तो पूरे डेयरी का जो सेक्टर है ये भी प्राइमरी सेक्टर में आता। तो ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जीवी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जीवीए, अगर आप देखेंगे तो यही लास्ट क्लास था हमारा। आपको स्क्रीन नजर आ रहा ना, एक सेकेंड, ओके स्क्रीन तो नजर आ रहा है यहाँ पे। तो जब तेलंगाना बना था 2014 में, तो तब से लेके अब तक की हम बात करेंगे तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का जो शेयर है वो 16, कई के वास्ते है ये जीएसवीए में, ठीक है। एक तरह से आप बोल सकते हैं कि ये एक तरह से ग्रोथ में, ठीक है, क्या है ये ग्रोथ में शेयर बता रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट में तो शेयर 50% है, यानी 100 लोग अगर मुलाजिमत करते तेलंगाना में तो 50% लोग प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ की। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट को भी देखना इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ को भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो एम्प्लॉयमेंट का तो छोड़ दीजिए, वो एक अलग चीज है। अब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की। तो ग्रोथ में पहले तेलंगाना 2014 में एग्रीकल्चर का शेयर 16% था, जो कि जाके अब कितना हो गया, 18% हो गया। समझ में आ रहा ना आपको स्क्रीन में, यहाँ पे अभी क्या है 2022 और 23 में कितना हो गया, 18.2 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि लोगों को एक एतमाद है कि भाई अगर आप एग्रीकल्चर पे 2 पैसे लगाएंगे तो आपके 4 पैसे होंगे, ठीक है। ये यही बात है ना, इसलिए लोग बढ़े हैं, कम नहीं हुए, आ रही बात। तो सेम उसके बाद इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करेंगे तो अनफॉर्चुनेटली पहले 22% था जी। तो 2014 में जब तेलंगाना बना था तो उस वक्त ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, इसके बारे में ये एक तरह से ये कितना वैल्यू ऐड कर रहा हूं, मतलब गुजश्ता साल के मुकाबले में इस साल में जो भी इजाफा हुआ वो इजाफे का एक तरह से परसेंटेज है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप और डिटेल में जाना है तो हम मेरे बेसिक वीडियोस को देख सकते, ठीक है, तो आपको मालूम हो जाता। मैं जरूर इस क्लास के एंड में बताऊंगा बिल्कुल आसान मिसालों से जीएसवीए को समझाया, बट इतना याद रखिए कि साल दर साल जो इजाफा होता उसका परसेंटेज है ये, ठीक है। तो पहले 16% था और 2022 आते आते एग्रीकल्चर का शेयर 18% हो गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रीज का जो शेयर था वो 22% था 2014 में, लेकिन अब आते आते 19% हो गया। और एक बात, सर्विस सेक्टर का मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ ग्रोथ में सबसे मेजर शेयर किसका रहता, सर्विस सेक्टर का रहता। एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता आपको कि मेजर शेयर ग्रोथ में किसका रहता, ठीक है, तो वो क्या है, सर्विस सेक्टर 61% उसका शेयर था, अभी ये 62% है। आई बात समझ में आप लोगों को, क्लियर है। पहले 2014 में 61% था, अभी 62% है। अच्छा आप लोग अगर मतलब हमारे पास वरंगल से है, महबूब नगर से है, बहुत सारे लोग क्लासेस से आते हैं, ठीक है, अगर आप अपने आसपास के लोगों से पूछेंगे, ठीक है, तो आप हर कोई जवाब देता, आपको हर किसी के पेशे की अगर हम बात करेंगे, या तो कोई बंदा टीचर रहता, या कोई प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट रहता, या फिर किसी किराने की दुकान में काम करता, या कोई उसकी खुद की दुकान रहती, तो ये सारी चीजें बताते कि ये सब चीजें जो है सर्विस सेक्टर में आती। तो इसलिए हमेशा सर्विस सेक्टर का शेयर ज्यादा रहता, ठीक है। तो आई होप ये पूरा आइडिया आप लोगों को क्लियर है। तो अब यहाँ पे
मैं जो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में चार चीजें रहती, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे तो सबसे पहली चीज तो पर कैपिटा इनकम है। पर कैपिटा इनकम किसको बोलते हैं, थोड़ा नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। जी, तो पर कैपिटा इनकम, इसके बारे इससे पहले भी हम लोग बोले थे कि पूरे स्टेट के पॉपुलेशन को पूरे जीडीपी में हम लोग उसको डिवाइड करें तो ये पर कैपिटा इनकम बनता है। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक इंडिकेटर है। दूसरा इंडिकेटर क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, LFPR, क्या बोलते हैं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये भी एक इंडिकेटर है। तीसरा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये भी एक इंडिकेटर है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और चौथा अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। अच्छा, एक इकोनॉमी की तरक्की के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम रहना चाहिए या ज्यादा रहना चाहिए, थोड़ा ज्यादा कम सही रहना रहना चाहिए, चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए बोल के बोल रहे हैं। देखिए, कोई एक जने बोल रहे हैं कम रहना। कम अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा रहा तो इकोनॉमी अच्छी है, उसका मतलब ये है, ऐसा है क्या? चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम से कम रहना चाहिए, ठीक है, यही बात है ना, कम रहना कम चाहिए, रहना सर, कम ठीक है। रहना इकोनॉमी सर। सेम चीज अप्लाई करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा रही तो क्या होता, ज्यादा लोग क्या हो जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं। अच्छा, एक बंदा बेरोजगार रहता तो उसका असर जो है कई लोगों पे पड़ता, ठीक है। खैर, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। ओके, तो ये क्या है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में क्या क्या चीजें हैं बताया था मैं आपको। सबसे पहली चीज क्या था, ऐसा लग रहा कि मेरे क्लास में दिलचस्प नहीं है सर या याद नहीं रखते, अभी मैं बताया पर कैपिटा इनकम। उसके बाद क्या है, जरा जब आप कोई क्लास में आए, आप वक्त दे रहे, हम भी दे रहे हैं, तो थोड़ा सा डेडिकेटेड रहिए। ऐसा नहीं कि भाई बार बार में कुछ है ना फॉलो अप करना पड़ता, ठीक है। दूसरा दूसरा इंडिकेटर क्या है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तीसरा वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। चौथा क्या है, ठीक अनएम्प्लॉयमेंट। है। ओके, तो ये चीजें हैं, तो ये चार पांच चीजें हैं तो हम लोगों को पढ़ना है आज, आज के क्लास में ये पढ़ेंगे। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स का पार्ट जो चैप्टर वन है, सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 का जो चैप्टर वन है, ये कंप्लीट हो जाता। अब यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, जीडीपी अगर नेशनल लेवल पे रहती तो उसको जीडीपी बोलते, और अगर स्टेट लेवल पे हुई तो उसको बोलते हैं जीएसडीपी बोलते, क्या बोलते हैं, ये डी है ये, ठीक है, जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हुई तो डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डिस्ट्रिक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दिख रहा, जीडीडीपी। ओके, तो तेलंगाना में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो बहुत ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस करते, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग, अगर हम यहाँ पे मैप, सीधा मैप में चले जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप देखिए, मैप नहीं, क्या बोलते हैं इसको, चार्ट, ओ क्या बोलते हैं इसको, आपको मैं अगर इसको क्या बोलते हैं इसको, बहरहाल एक जो भी ये नक्शा है वो नक्शे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन जीडीडीपी किस डिस्ट्रिक्ट का है पूरे तेलंगाना में, अगर आप देखेंगे तो आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, ये अगर नक्शा मैं अगर देखूं तो सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट क्या नजर आ रहा है आपको, बोलिए जीडीडीपी के हिसाब से, आप ही बोलिए, ठीक है। इसमें मैं अलग से बोलने का कुछ नहीं है, आपकी नजरों के सामने है कि सबसे बेस्ट बेस्ट जो परफॉर्म करता वो है, ये कौन सा कलर है ये, ओके। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्म करने वाला डिस्ट्रिक्ट है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता तो बीच में जो है बिल्कुल ये छोटा सा है, देखिए मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखिए हैदराबाद दिख रहा है यहाँ पे, तो फर्स्ट रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद हैदराबाद। अच्छा, तीसरा बोलिए, ये दो तो सबको मालूम है, तीसरा बोलिए मेडचल मलकाजगिरी है, ठीक है, नलगोंडा भी है, आई एग्री, ठीक है, मेडचल मलकाजगिरी आता, ओके, क्योंकि ये तीनों शहरी इलाके हैं, एक तरह से आपको हैदराबाद में ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। फर्स्ट है आरआर, ठीक है, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, देन उसके बाद आता हैदराबाद, और उसके बाद मेडचल मलकाजगिरी, ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट में रहने वाले डिस्ट्रिक्ट बोलिए, जरा एक डिस्ट्रिक्ट बोलिए जो सबसे लास्ट में है, जोगलाम्बा जुगलों बगदवाल। गढ़वाल, यही डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो
अच्छा, ये एक चैन ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है जो आप बोलेंगे, तो पुराना महबूब नगर हम देखेंगे तो पूरा पुराना महबूब नगर, महबूब नगर वाले माफ करना, बुरा मत समझिए, लेकिन आप लोग अगर कल के दिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, ओके, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है रहमान भाई, सुन लिए ना आप, रहमान भाई महबूब नगर के हैं, ठीक है। जी सर, तो महबूब नगर के जो पहले का महबूब नगर में क्या क्या डिस्ट्रिक्ट है, नागर करनूल है, वनपर्ती है, महबूब नगर है, नारायणपेट है, जो गुलाम भगत वाला, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट अगर जीडीडीपी के लेवल में देखेंगे तो सबसे पीछे माने जाते हैं, ठीक है। बहरहाल और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं तेलंगाना के, जैसा मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है, कहाँ पे है मुलुगु डिस्ट्रिक्ट बताइए जरा, कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये भी थोड़ा सा जीडीडीपी, ये देखिए 5,000 से 16,000 करोड़ ये इनका जीडीडीपी है, तो उसमें ये पूरे डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो पता ही चल रहा कि कुछ डिस्ट्रिक्ट ही हैं पूरे तेलंगाना में जो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, ओके, तो क्लियर है। अब यहाँ पे हम दूसरा एक इकोनॉमिक इंडिकेटर पढ़ेंगे जिसका मतलब है पर कैपिटा इनकम, ठीक है, फीकस आमदनी बोलते हैं उर्दू में, क्या बोलते हैं उसको, फीकस आमदनी। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब ये रहता कि समझिए एक घर में चार लोग हैं, तो हस्बैंड वाइफ दो बच्चे, अब समझिए हस्बैंड की तनख्वाह जो है 20,000 है, वाइफ की तनख्वाह भी 20,000 है, ठीक है, तो 40,000 हो गए, तो पर कैपिटा इनकम, पूरे कितने अफराद रहते घर में, चार लोग, पर कैपिटा इनकम कितना हो जाता साहब, 10,000 10,000, तो वैसे ही रहता है पर कैपिटा इनकम। तो हमारे तेलंगाना का पर कैपिटा इनकम जैसा हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे हम लोग कितना है वो नहीं पढ़ेंगे, बल्कि डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पर कैपिटा इनकम में ग्रुप फोर में सवाल आया था, ठीक है, परसों जो हम लोग लिखे थे ना जुलाई में, तो पर कैपिटा इनकम में सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है भाई? सूर्यापीठ नहीं, कैसा दिख रहा है आप, किस हिसाब से सूर्यापेट बोल रहे हैं आप, बोलिए, मैं समझना चाह रहा हूँ आखिर सूर्यापेट ये पर कैपिटा इनकम है, तो पर कैपिटा इनकम में सबसे बेस्ट जो परफॉर्म करते ये कलर है इसका, क्या कलर है भाई ये, मैं समझ में नहीं आया, मैं कोई कौन सा कलर, चॉकलेट कौन सा कलर है ये क्या कलर, रंगा ओके ओके, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट है, तो सूर्यापेट कहाँ पे है, यहाँ पे है सूर्यापेट का, ठीक है, ये तो थर्ड कैटेगरी में है, ओके, तो बहरहाल यहाँ पे सूर्यापेट उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां पे सालाना 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आमदनी रहती है उसकी, ठीक है, सालाना, ओके, महीने की नहीं, ठीक है, सालाना मतलब 2 लाख, मतलब हार्डली कितना कमा रहा है, 20,000 रुपए भी नहीं कमा रहा, ठीक है, 2 लाख मतलब समथिंग अराउंड अठारह 16,000 रुपए बनते, 16,500 रुपए बनते, एवरेज बता रहा हूँ सूर्यापेट, तो यहाँ पे सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ओके, ठीक है, उसके बाद हैदराबाद है, उसके बाद मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, ये पूरे नलगुंडा, सिद्दीपेट, ठीक है, यादाद्री, भुवनगिरी, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट सबसे बर, अच्छा यहाँ पे महबूब नगर भी है, ओके, तो ये सब चीजें हैं, ओके, तो सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है आपका रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक और इंडिकेटर बात की बात करेंगे, वो है एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, अगर ज्यादा लोग रोजगार रहेंगे तो मतलब ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, अगर जीडीपी अच्छी रहना है तो एम्प्लॉयमेंट का परसेंटेज ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए, अब बोलिए, ज्यादा ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज्यादा रहना चाहिए या कम रहना चाहिए, कम रहना, कम सर तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर रहना, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये पूरे डेटा को याद रखना आप, ठीक है, ये ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ा दे रहा हूं, बल्कि ऐसा सवाल अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक, विच इज द विच डिस्ट्रिक्ट हैज द बेस्ट हाईएस्ट परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा इनकम या इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, तो हर चीज आपको याद रखना है, वो कहीं को परसों एक एग्जाम हुआ था, पॉलिटेक्निक का कुछ एक एग्जाम था, तो उसमें तक सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का पूछा था, परसों एक पॉलिटेक्निक का कुछ एक एग्जाम हुआ था रिसेंटली, कोई बता सकते तो बताइए, मेरे को याद नहीं, जूनियर लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक सर। हाँ उसमें भी जो है ये सवाल आया था, ओके, ये तेलंगाना इकोनॉमिक, कोई सोचा भी नहीं था कि ये भी पूछता बोल के, तो
ये सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक का कुछ भी पूछ लेता हूँ। ओके, तो बहरहाल यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, तो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब, यहाँ पे खुद उसका मतलब बता दिया, इट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ द एडल्ट वर्किंग एज पॉपुलेशन बिटवीन 15 to 59 विच इज ईदर एम्प्लॉयड और लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे ये है कि टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन मतलब वर्किंग एज किसको बोलते हैं, वो उम्र जो काम करने के लायक है, यानी 15 से 59, 15 से कम कोई बच्चा काम नहीं करता, और करा भी तो वो क्या है, चाइल्ड लेबर के अंडर आता, आता नहीं आता, इसलिए उसको 15 रखे। अब 59 सब 65 क्यों नहीं रखे बोल, तो 60 में तो रिटायर हो जाते हैं आमतौर पे, तो इसलिए 59 रखे। ये पूरा ये क्या है कि एक नेशनल स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपको ये नहीं बोलना सर तेलंगाना में रिटायरमेंट एज 62 है ना, उतना तो भी रहना था बोल के, तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। तो बहरहाल वो एक अननेसेसरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये है कि टोटल ये जितने एज है वर्किंग एज पॉपुलेशन में, इतने लोगों में कितने लोग एम्प्लॉयड है, और या तो एम्प्लॉयड है या लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ में आ रही बात, यानी टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन जिनकी उम्र 15 to 59 है, इतने के दरमियान, ठीक है, इतने के दरमियान कितने लोगों को जॉब मिल गया या जॉब की तलाश में है, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है ये बोलिए जरा। ओके, समझिए एक टाउन में, एक टाउन में समझिए, एक टाउन को एक रियासत समझिए, उसमें से 100 लोग हैं जिनकी उम्र जो है ऑलमोस्ट 15 से लेके 59 या 60 है। ठीक है, उतने 100 लोग रहते, उसमें से 80 लोग जॉब करते या जॉब की तलाश में है, मतलब तलाश में नहीं है, लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, बिल्कुल उनको जॉब ऐसा है जैसा रहता है ना भाई, रोज बरोज यौमिया काम, डे बाय डे उनको जॉब मिलता, जो फ्रीलांसर्स वगैरह रहते हैं उनके हिसाब से है। तो यहाँ पे अगर 80 लोग ऐसे हैं जिनको जॉब मिला या लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट है, और टोटल 100 लोग हैं, तो LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, 100 लोगों में 80 है। ठीक है, तो यहाँ पे तेलंगाना में क्लियर है या नहीं है ये बोलिए थोड़ा पहले। ओके, तो यहाँ पे ये एक क्या है, इट्स एन इंडिकेटर ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, तो इकोनॉमी में कितना कॉन्फिडेंस है ये बताने वाला इंडिकेटर ये है। तो आई होप पहले ये डेफिनेशन क्लियर है। अब यहाँ पे क्या है कि इन 2021 तेलंगाना हैड एन LFPR ऑफ 65.4, और ये नेशनल एवरेज कितना है, 58.4, यानी पूरे इंडिया में, ठीक है, इंडिया का एवरेज जो है 58%, यानी जिनकी उम्र 15 से लेके 59 है, इतने लोगों में सिर्फ 58% लोग या तो जॉब हासिल किए हुए हैं या फिर लुकिंग फॉर द जॉब है। लेकिन उसके मुकाबले में तेलंगाना में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन जितना 15 to 59 है, इसमें से हमारा तेलंगाना का परसेंटेज कितना है, 65.4 है। इसका मतलब यह है कि तेलंगाना हैज बेस्ट, ठीक है, परसेंटेज देन नेशनल एवरेज इन टर्म्स ऑफ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR। ठीक है, आई बात समझ में, थोड़ा बोलिए, इतनी मेहनत करके मैं कुछ बताने की कोशिश, सर तो थोड़ा बता, ये तो इतनी तो जिम्मेदारी बनती है आपकी कि थोड़ा बोलना कि सर समझ में आया या नहीं आया। ओके, कुछ समझ में ठीक आया सर। है, मैं तो ये नहीं सुनना चाह रहा हूँ कि समझ में आया, कुछ ऐसे लोग होंगे जो समझ में नहीं आया होगा, तो मैं उनकी भी बात सुनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब मेल LFPR कितना है, फीमेल LFPR कितना है, यानी मेल्स, ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं सीधा चार्ट में लेके चले आता हूँ मैं, तो आप चार्ट देखने के बाद समझ में आती बात आपको। तो यहाँ पे ये तेलंगाना है, ये कौन सा कलर है भाई, कितने बार पूछा मैं, कोई बोल रहे नहीं, ये कलर कौन सा है, ये क्या कलर है, ये सर लाइट पर्पल, मेरून कलर है सर, मेरून कलर, मेरून कलर समझ के रैबिश चलिए। ठीक है, पर्पल, रेड कलर बोलते सर इसको। ओके, ठीक है, तो ये वो कलर है, तो ये पर्पल तो नहीं होता भाई, ये मेरून कलर है। ठीक है, पर्पल का तो मेरे को मालूम है। तो बहरहाल ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, आपके सामने जो है एक चार्ट मौजूद है, तो
तो आपके सामने में रखा। तब यहाँ पे क्या है कि अब हम क्या बोले कि भाई तेलंगाना का कितना है, ओवरऑल 65.4 है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या पूछने वाला है मालूम है आपको, तो यहाँ पे आप देखिए कि तेलंगाना का जो फीमेल LFPR है वो 50% है। यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ सीधा चार्ट में लेके चले आ रहा हूँ, यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन तेलंगाना रूरल एंड अर्बन, ठीक है, रूरल मतलब देही इलाके और अर्बन का मतलब अर्बन शहरी इलाके। तो यहाँ पे रूरल LFPR को हम देखेंगे तो ये तेलंगाना का है ये पूरा, ठीक है, इधर जो डार्क है जो लाइट है वो ऑल इंडिया का है। तो रूरल मतलब देही इलाकों में 15 to 59 की एज में कितने लोगों को रोजगार मिला या रोजगार उनको मिल मतलब रोजगार की तलाश में है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो रूरल इलाकों में 72% है और ये तेलंगाना का, और नेशनल एवरेज कितना है 60 है। तो रूरल LFPR आपको याद रखना। अब यहाँ पे अर्बन LFPR की हम बात करेंगे तो अर्बन LFPR नेशनल का 53% है और